हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। एंड आई एम आशीष विथ माई चैनल। एंड मैं आपको मतलब ये जो ट्रिपल थ्रेट इवेंट है, मैं इसके बारे में मतलब न्यू आर्मी बताऊंगा जिससे आप मतलब कंप्लीट कर सकते हो। देखो, मैंने भी कंप्लीट किया था, मतलब मैंने 7 टाइम मतलब यही आर्मी यूज़ करके कंप्लीट किया है। एंड मतलब आप यूज़ कर सकते हो ये आर्मी। आपका इवेंट मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा TH9 के लिए। मतलब आप TH9 to TH9 मतलब 3 स्टार आप कर सकते हो बिल्कुल। आप एक बार देख सकते हो मैं क्या आर्मी यूज़ करता हूँ। 11 विजार्ड, 2 पेका, 5 आर्चर, 6 बॉमर, 6 वॉल ब्रेकर, 11 जाइंट, 2 बेबी ड्रैगन, 2 मिनियन एंड 1 ग्लोम। एंड सीसी में 5 बॉलर। मतलब ये बेस्ट आर्मी है, मैंने भी यूज़ किया। आप देखो रिप्ले, मैंने मतलब आप रिप्ले देख सकते हो, मैंने यूज़ किया था। मतलब मैंने अपना इधर ट्रॉफी मतलब घटाया था, माइनस किया था, देन मतलब वो सारा चला गया है। सारा टैग जो मैंने किया था मतलब वो चला गया, आप देख सकते हो तब भी। देन मतलब 3 स्टार मैंने इस पर किया है, आप देख सकते हो ये बेस। मतलब TH9 एक तरह से मतलब मैक्स ही बोलो तो है ये बेस। एंड मैंने इस पर इजली 3 स्टार किया है। आप ये आर्मी यूज़ कर सकते हो, मतलब वॉर कर रहा हूँ मैं ये, मतलब इवेंट के लिए, ट्रिपल थ्रेट इवेंट के लिए मतलब ये बेस्ट आर्मी है यूज़ करने के लिए। मतलब आप यूज़ करो ये आर्मी। एंड गाइज, मैं हमेशा मतलब आपको बोलता हूँ कि आप मतलब अगर फनल करना आप सीख जाते हो देन मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है वो चीज़ आपके लिए। आप फनल करना सीख जाते हो, मतलब आप अपने सारे आर्मी को मतलब बीच में उतार सकते हो, जैसे यहाँ उतार सकते हो अपने सारे आर्मी को। मतलब आप फनल करना सीख लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है फनल करना। देन आप अगर फनल करना सीख जाते हो इजली आप किसी पे भी 3 स्टार कर सकते हो। सो सी, देखो गाइस, आप ये आर्मी यूज़ करो, मतलब TH9 के लिए। अगर आप TH9 to TH9 अटैक करते हो इस आर्मी से, मतलब बहुत ही अच्छी आर्मी है ये आपके लिए। आप इस पर 3 स्टार कर सकते हो इससे, TH9 to TH9 बेस के लिए। डजेंट मैटर, मतलब आपके पास उतना अच्छा TH9 मैक्स आर्मी नहीं है तब भी आप मतलब 3 स्टार कर सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं मतलब जो TH9 से ट्रॉफी ऊपर किए हुए हैं, मतलब वो कुछ चेंज भी कर सकते हैं इस आर्मी के साथ, मतलब बेस्ट आर्मी होता है। बट अगर आप TH9 to TH10 अगर अटैक करते हो देन मतलब 2 स्टार फिक्स है, बट 3 स्टार इज़ नॉट वेल, बिकॉज उसका मतलब डिफेंस भी मैसिव रहता है, मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है डिफेंस भी आपसे। एंड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सो मतलब TH9 to TH9 3 स्टार करने के लिए डैट वॉज द बेस्ट आर्मी फॉर यू गाइज। एंड मतलब अगर आपको और मतलब आपको और भी मतलब देखना है, मतलब आपको यूज़ करना, आप चेंज कर सकते हो, बट ठीक है आर्मी है ये यूज़ करने के लिए। मतलब देखो मैंने इस पर ये TH9 मतलब फुल मैक्स है, मैंने इस पर 3 स्टार किया है। इस पर मैं दोगुना कर देता हूँ। गाइज मीन आप यूज़ करो ये आर्मी, आपकी इवेंट बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मैं मतलब कल इवेंट स्टार्ट हुआ एंड देन मैंने इस पर ही मतलब कल से लेके आज तक ही मैंने जितने भी अटैक किए मतलब सारे अटैक विन किए TH9 to TH9। मतलब सारे अटैक्स पे 3 स्टार मतलब मैंने लाया है, हर से मतलब सब पे 3 स्टार मैंने लाया है। आप यूज़ करो आर्मी, ये मतलब बेस्ट आर्मी होगी, आप बहुत ही जल्दी इवेंट कंप्लीट कर सकते हो। मतलब मैंने आपको दिखाया, मैंने कल से लेके आज तक मतलब 7 अटैक ही बस किए हैं, एंड 7 अटैक में मैंने 7 विन किया, एक भी लूज नहीं किया अटैक मैंने। मतलब आप यूज़ करो ये आर्मी, बेस्ट आर्मी रहेगा। मतलब मैं बोल आप देख सकते हो, मतलब एक बार फिर से आप देख लो ये आर्मी, मतलब बेस्ट आर्मी है। 1 गोलेम, 11 विजार्ड, 6 वॉल ब्रेकर, 11 जाइंट, 2 पेका हीरोज एंड 2 बेबी ड्रैगन, 5 आर्चर,
और मतलब एक रेंज, एक जंपिंग स्पेल, दो हीलिंग स्पेल, दो पॉइजन, क्लैन कास्टल में एक पॉइजन एंड बॉलर। अगर मतलब मीन अगर आपको बॉलर मिल जाता है देन वो तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है फनलिंग के लिए। बट अगर आपको बॉलर नहीं मिलता है तो आप उसके जगह मतलब यूज़ कर सकते हो आर्मी, मतलब उसके जगह पे आप क्या लेना मीन आप मतलब थ्री, ये मतलब आप क्या थ्री जाइंट ले लेना, थ्री वीज ले, थ्री विजार्ड ले लेना एंड मतलब थ्री विजार्ड ले लेना एंड मतलब जो स्पेस बचेगा उसमें थ्री विजार्ड, थ्री जाइंट एंड थ्री आर्चर ले लेना, आपके लिए मतलब वो बेस्ट आर्मी होगा फॉर अटैक गाइस। एंड मतलब चलो मैं भी एक अटैक करता हूँ, इस मैं भी एक अटैक कर ही देता हूँ, मतलब आप देख लो आप, बिकॉज अगर आप फनल करते हो देन वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। अगर आप फन अगर मतलब TH9 में अभी अभी गए तो मतलब आप TH9 के लिए वैसे लून, लावा लून बेस्ट आर्मी है, बट आप मैं उसे भी यूज़ करता हूँ, बट आप यूज़ करो ये आर्मी, मतलब अगर आपको 3 स्टार लाना है तो आपको फनलिंग तो सीखना ही होगा, बिकॉज फनलिंग के बिना आप मतलब हमेशा यूज़ करके हमेशा आप 3 स्टार नहीं ला सकते हो इस पर, बिना यूज़ किए वो आर्मी, बिना मतलब फनल वाले ये आर्मी यूज़ करके हमेशा लावालून से मतलब 3 स्टार आप नहीं ला सकते हो वॉर में। जितना जल्दी मतलब आप सीख लो अटैक करना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप देख सकते हो गाइज मैंने इस पे अटैक किया, मतलब अभी अटैक किया एंड मैंने 3 स्टार कम्प्लीटली किया इस बेस पे। मतलब आप यूज़ करो ये आर्मी गाइज एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी आर्मी है, इवेंट कम्प्लीट करने के लिए बहुत बेस्ट आर्मी है। मतलब ये भी इवेंट स्टार्ट हुए वन डेज भी नहीं हुआ है एंड देखो मैंने 8-8 कम्प्लीट कर लिया, ओनली 2 बचा है, ओनली 2 ओनली बचा है, मतलब मीन आप यूज़ करो गाइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी आर्मी है, आप यूज़ करो इसे
एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है अटैक करने के लिए, अटैक स्ट्रेटजी बेस एंड एनीथिंग, मतलब एनीथिंग दैट्स यू लाइक इट एंड आई विल अपलोड इट। बट अगर आपको मतलब अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइज। मेरे को बहुत ही सारा सपोर्ट चाहिए, अभी मतलब 82 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं मेरे, मतलब मेरे को अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मतलब बेस्ट आर्मी है एंड मतलब बेस्ट आर्मी अटैक के लिए ये भी यूज़ करो। मैं आगे भी लेते आऊँगा अटैक के लिए आर्मी, आप यूज़ करके देखना, आप यूज़ कर सकते हो इसे। सो गाइस बाय, सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय गाइस।